हे दोस्तों, मैं उबिल जादा और आप देख रहे हैं बिल्लू टेक्निकल। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो में जो है मैं बताने वाला हूँ कि आप जो कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन टू नहीं दोस्तों, इस बार हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन फ्रेंड और फो। तो दोस्तों, ये जो गेम है एक लेटेस्ट गेम है और दोस्तों बहुत अच्छे ग्राफिक्स के साथ आती है, जैसे कि आप ये गेम प्ले में देख रहे होंगे दोस्तों, वो भी सिर्फ 40 MB में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके आप पहले तो लाइक कर दीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप पहले तो दोस्तों जाके लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ, इसलिए आपको लाइक कर देना चाहिए। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए और हमारा नोटिफिकेशन बार ऑन कर दीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। दोस्तों, पहले तो आपको क्या करना है, स्पाइडरमैन फ्रो जो कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उसके बारे में। दोस्तों, ये जो गेम है ये 2008 में रिलीज़ हुई थी और दोस्तों ये गेम जो कि है अच्छे ग्राफिक्स के साथ और एक अच्छी यूज़फुल वेपन्स वगैरह होते हैं इसमें, और ये पूरी जो कि है स्ट्रैटेजी गेम है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है दोस्तों। और ये जो गेम है ना, ये बहुत कम MB की गेम है। अगर आप इसको PSP में खेलना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ 471 MB की गेम है और आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मोबाइल में खेलने तो सिर्फ 40 MB में गेम है, तो दोस्तों मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि ये जो गेम है आप अपने मोबाइल डिवाइस में कैसे चला सकते हैं और इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, पहले तो मैं आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो कि है आपको नए नए नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहे और आप हमारा चैनल जो कि एंजॉय कर सके। ये वीडियो जो कि बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो दोस्तों आप पहले जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, ठीक है दोस्तों, फिर अभी चलिए ये जो कि वीडियो है ये शुरू कर देते हैं। दोस्तों, पहले तो आपको यहाँ जो गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है और यहाँ पर जो गूगल प्ले का सर्च रहता है वहाँ पर आपको दो ऐप डाउनलोड करनी है, एक तो है ड्रेस्टिक। तो दोस्तों, यहाँ पर कई एमुलेटर आ गए देखिए, पर आपको कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर जो आपको अच्छा वाला चाहिए, अच्छी वीडियो क्वालिटी चाहिए, तो आपको जो पहला ड्रेस्टिक DS एमुलेटर है ना, वो उसको ओपन कर लेना है, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो कि डेमो आता है पहले तो हाई रिजोल्यूशन का, अगर आपको चाहिए तो डेमो ख़त्म होने के बाद रिजोल्यूशन पहले की तरह है। देखिए, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट से आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये जो नॉर्मल रिजोल्यूशन है मन से, ये इसकी ओरिजिनल जो दिखता है, और डेमो में आपको इस तरह का दिखेगा। डेमो में जो कि प्रो रहेगा तो डेमो ख़त्म होती ही वापस अपने रिजोल्यूशन में आ जाएगा। अगर आपको और चाहिए हाई रिजोल्यूशन तो आप उसे बाय कर सकते हैं $2 or $3 में। तो ठीक है, तो आपको फिर अभी इसे बंद कर दीजिएगा अभी, और फिर आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है अगर आपको उसका पता हो तो, जेड अचीवर। ठीक है दोस्तों, ये वो 2-3 MB की ऐप है, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपको कॉपी पेस्टिंग वगैरह करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, तो ये जो कि ऐप है बहुत अच्छी ऐप है और बहुत हैंडी ऐप है, तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉपी पेस्टिंग है ये फाइल एक्सप्लोरर प्रो से भी फास्ट करती है। तो इस ये दो ऐप डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको अपने ब्राउज़र ओपन करना है, मैं आपको हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ कि उसी ब्राउज़र ही ओपन करिएगा। फिर यहाँ पर जो बार रहता है लिंक, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है स्पाइडरमैन फ्रेंड और फोई NDS रोम। ये देखिए, आप देख सकते हैं, नाम पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके, तो यहाँ पर पहले ही नंबर पे आ जाएगा, उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का जो कि एक पेज ओपन हो जाएगा, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा, और एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हो गया, तो यहाँ पर 7 नंबर पे जो डाउनलोड लिंक का दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर देना आपको, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके, फिर एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिख जाएंगे कैसा है ये गेम, फिर आपको डाउनलोड स्पाइडरमैन फ्रेंड और होई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं और एक पेज ओपन हो जाएगा, आपको नीचे जाना है और यहाँ डायरी डाउनलोड दिख रहा है ना, वहाँ पर क्लिक कर देना है। डायरी डाउनलोड करते ही एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसे पहले ही कर लिया है। फिर जहाँ पर आपने उसे डाउनलोड किया है, मैंने आपको एक ऐप बताई थी, वो आपको आप ओपन कर लेना है, जेड अचीवर। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का जो इसका इंटरफेस रहता है, आपको अभी जाना है जहाँ आपने उसे डाउनलोड किया है, मैंने इसे UC डाउनलोड्स में डाउनलोड किया है, तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं
स्पाइडरमैन फ्रेंड और फो 40 MB, तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ नीचे एक्सट्रैक्ट डॉट 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 दिख रहा है, वहाँ पर एक्सट्रैक्ट का भी क्लिक करना है और जहाँ चाहते हैं आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने तो फिलहाल इसे यहाँ नीचे इस तरफ एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो फिर ये हो गया एक्सट्रैक्ट करके, फिर आपको जो है आपका ऐप बंद करना है और फिर आपको जो ड्रास्टिक है एम्युलेटर मैंने आपको बोला था उसे ओपन कर लेना है। तो मैंने इसे बाय कर लिया, उसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, कंटिन्यू की जगह आपको डेमो या फिर कुछ और दिख रहा होगा। तो लोड न्यू गेम पे क्लिक कर देना है और फिर दोस्तों जहाँ पर आपने उसे एक्सट्रैक्ट किया था ना वो फाइल, तो वो फाइल को ढूंढना है आपको। ये देखिए इस तरफ आ गई है दोस्तों, ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों ये लोडिंग हो रहा है, तो आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए क्योंकि ये लोडिंग में थोड़ा टाइम ले लेता है। और पर कई लोग पूछते हैं कि इसे फुल स्क्रीन कैसे चलाना है, तो आपको यहाँ नीचे वाले एरो पे क्लिक कर देना है और फिर एक नीचे और एक एरो पे क्लिक करना है और फिर आपको जो ये वाला है ना ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अभी देखिए आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन वाइड स्क्रीन में प्ले हो गया 16:9 के रेशियो, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों जो गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिल जादव चैनल बिल्लू टेक।